तो अगली खबर पटना से है, जहां पटना में लगातार अपराधियों का आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है। पटना सिटी क्षेत्र के खजेकला में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें दो लोगों की गंभीर होने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार युवक ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे दो लोगों को गोली भी लगी है। दोनों गोली चलाते हुए अपराधी भाग निकले। जब तक आम जनता कुछ समझ पाती, तब तक दो लोगों को गोलियां लग चुकी थी। स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है, जहां उनकी इलाज चल रही है। प्रशासन का कहना है कि यहां की घटना स्थल पर पहुंचकर प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है, और जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि मामला क्या है। तो लगातार पटना में इस तरह से अपराधियों का जो मनोबल है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात काल हमें अभी सूचना मिली थी कि जो है बाइक, दो बाइक से जो है कुछ लड़के जो है जा रहे थे, गोली चलाए हैं, जिसमें एक व्यक्ति को जांघ में गोली लगी है और उसे अस्पताल भेजा गया है, और दूसरे को जो है घुटना के नीचे जो है गोली छू के निकली है। हम लोग जो है यहाँ पहुँच करके जो है उसका जाँच कर रहे हैं, आगे जो भी मिलेगा। आप क्या नाम था व्यक्ति के सर जिसको गोली लगा है? तौफिक, तौफिक बता रहे हैं। दोनों की स्थिति क्या है सर? स्थिति अभी सामान्य है, अभी हॉस्पिटल गए हैं और वहाँ पहुँच करके जहाँ स्थिति से आपको जानकारी। किस जगह पे गोली चलाया है सर? बात कालू था हम बता रहे हैं सर, मारने वाले कोई पास। मधुबनी में लोकहा एसएसबी ने उज्बेकिस्तान की एक महिला को भारतीय सीमा में प्रवेश के दौरान पकड़ा है। एसएसबी जवानों ने गुरुवार शाम को भारत नेपाल सीमा के चेक पोस्ट पर उज्बेकिस्तान देश की एक महिला को बिना दस्तावेज अवैध तरीके से प्रवेश करने पर पकड़ा है। और एसएसबी इंस्पेक्टर राजकुमार ने कहा कि दोनों देश से आने जाने वाले लोगों पर निगरानी जमाए हुए थे, साथ ही उनके सामान की तलाशी भी ली जा रही थी, तभी नेपाल से भारत की ओर आ रही एक महिला पर शक हुआ, जहां पूछताछ के दौरान महिला घबराने लगी और उसे पकड़ा गया। थानाध्यक्ष लोखा ने एसएसबी के दिए गए प्रतिवेदन पर मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी कर दी है। तो मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड नंबर में असामाजिक तत्वों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की है और महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की है, जिसे लेकर सदर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। घायल भैरव कुमार सोनी ने बताया कि सभी अपराधी बंदूक, लाठी डंडा, भाला से लैस थे और घर पर आकर हमला बोल दिया। मामले को लेकर मधेपुरा सदर थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने बताया कि पीड़ित द्वारा आवेदन प्राप्त हुई है, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हर्ष रीजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स, होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।